ऊपर पंखा देख बस, ठीक है, नीचे मॉनिटर भी देख लो। सो हाय गाइस, आज फाइनली अपूर्व का नया टेबल डिलीवर हो चुका है। सो करेंटली अपूर्व इज हु इज अ गेमर, लाइक प्रोफेशनल गेमर, कई सालों से, कितने साल से गेमिंग कर रहे हो? प्रोफेशनल नहीं होगे जाओ, जो भी है बहुत बड़ा गेमर है। सो अभी ही यूजेस IKEA's टेबल। तो ये IKEA का टेबल कितने का आया था? IKEA का टेबल आया था मेरे ख्याल से कुछ 40-45 डॉलर। काफी अफोर्डेबल है। मेरा टेबल भी 30-35 का ही था। बट दिस इज कूल, बट दिस इज नॉट अ गेमिंग टेबल। और ये स्टैंडिंग भी नहीं है आजकल, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, राइट? सो स्टैंडिंग डेस्क इज इम्पोर्टेंट फॉर वर्क फ्रॉम होम, ताकि आप कैलोरीज बर्न कर पाओ खड़े खड़े एंड स्टे एक्टिव एज वेल। तो आज फाइनली इसी कारण, इसी ओकेजन पे गेमिंग स्टैंडिंग डेस्क फ्रॉम फ्लेक्सी स्पॉट। इस टेबल की सबसे अच्छी बात अभी तो मुझे ये लगी कि इस पे मोटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम असेंबलिंग। इट शुड बी रियली क्विक। This is really cool, यार। They even gave a screwdriver, वो भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। You don't even need a tool kit for it. So last monitor रह गया। So gaming laptop 1, gaming laptop 2, and business laptop का दूसरा वाला। दूसरा business है, okay? जो भी है वही। पर हाँ, बस monitors रह गए and then pretty much all set. माइक भारी तो नहीं है? नहीं। मैं पकड़ाऊँ? कुछ मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये सब कुछ साथ में आया था माइक के? नहीं नहीं, ये अलग से लिए हैं। Is this fixed attached to the table? नहीं, नीचे से। नीचे से। तो ऐसा करते हैं, पहले मॉनिटर को इधर कर देते हैं, then we can move it easily here, right? भाई वो नीचे से क्लैंप वाला है, तो एक बार निकाल दिए तो वो फिर यहाँ रखा नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, उठा के डायरेक्ट डालना ही पड़ेगा। जाओ तो उधर जाओ, ठीक है, रुक जाओ, पकड़े हो, पकड़े देना। दिस इज परफेक्ट फॉर इवन समवन हु इज 6'4", राइट? 6'2" तक मतलब बढ़िया है। हाँ, ही इज 5'10", सो उसके लिए बढ़िया। वो ऐसा ऊपर पंखा देख बस, ठीक है, नीचे मॉनिटर भी देख लो, उधर बुक केस भी, सब कुछ देखना है। रखे हैं नीचे? शुक्र है, हो गया मूव। भारी है ना? उड़को केबल के ऊपर। हाँ देखो, इधर मस्त जगह है कैबिनेट रखने की, जिस पे दो लैपटॉप रख सकते हैं हम। हाँ, इसे काफी क्लीन सेटअप लग रहा है अब। So finally done assembling the table and it matches the vibes of the room. It looks so, so great. So, pehli cheez, the best thing about this is the material. So, yeah, the desk is really good. As you can see the thickness of it, it's very sturdy. And even if I shake it, it doesn't wobble at all. Yeah. So, it's really good. And it matches the vibe of the room. Yeah, totally, yaar. So, I am a cybersecurity researcher and I have a sitting job. But with the help of this desk, I've become proactive as I spend my time half the time standing and half the time sitting. And once again, all the gadgets that Apoorv has will be in the description below, including FlexiSpot. So definitely check them out. And FlexiSpot has given proper attention to the detailing. So this was already included. It came like that and it gives a lot of gamer vibes.
सो यार सीधी सी बात है, दिस सेटअप लुक्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. अब ये बताओ, व्हेन यू स्टार्टेड गेमिंग तब कैसा सेटअप था वर्सेस द करेंट वन? व्हेन आई स्टार्टेड तब नॉर्मल बेड था. बेड पे बैठ के एंड माउस साइड में रख के और लैप पे लैपटॉप, यही सेटअप था. बस यही हाँ. एपिक यार, दिस इज अ ग्रेट ग्रेट अपग्रेड. तो कितने साल से गेमिंग कर रहे हो? 5 साल से, राइट? 5 6 साल. अंडरग्रेड जब स्टार्ट किए तभी तो 2015. 2015. तो डिस्क्राइब करना एक्सपेंसिव गैजेट्स का फायदा क्या होता है गेमिंग में. आई मीन एक्सपेंसिव गैजेट जरूरी नहीं है गेमिंग में. ये तो इतना लिए क्योंकि पैसे थे. तो बेसिकली गेमिंग में तीन ऐसे होते हैं मेरे ख्याल से, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर. तो तीनों आप बताओ. यूजुअली नॉर्मल कोई भी कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड और नॉर्मल कीबोर्ड से भी चलेगा. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज माई लैपटॉप कीबोर्ड ओनली. मेरे पास कोई कीबोर्ड नहीं था, अभी जस्ट लिए है. तो नॉर्मल कोई भी कीबोर्ड, ऑब्वियसली माउस होना चाहिए. एंड यूजुअली आई प्ले FPS गेम्स, तो एज लाइट माउस जितना भी लाइट होना हो उतना अच्छा है. तो दिस इज लॉजिटेक जी प्रो वायरलेस. एंड ऑल्सो देर इज नो नीड टू टेक वायरलेस वायर्ड, एनीथिंग इज गुड एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल. और एंड कीबोर्ड मैंने नोटिस किया है, दीज आर मैकेनिकल कीज एंड द बेनिफिट इज ये बहुत ज्यादा लाइट है. लाइक दीज आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी फास्ट टू टाइप इन. मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड में भी डिफरेंट स्विचेस होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कैसे तुमको पसंद है. एंड आई लाइक दिस बिकॉज इट हैज लाइक लो प्रोफाइल स्विचेस हैं. नॉर्मल मैकेनिकल स्विचेस बहुत मोटे मोटे होते हैं. ओके, तो आई लाइक दिस वन. एंड तो गेमिंग के लिए कौन सा यूज करते हो, लेफ्ट के राइट? राइट वाला. एसस का है मॉनिटर, और मेनली बिकॉज इसका रिफ्रेश रेट ज्यादा है. तो दिस हैज 144 हर्ट्ज़, उसका 60 है बस, या 75 है उसका. एंड इस लैपटॉप से स्टार्ट किया था, नाउ यू यूज दिस वन. एपिक. कौन सा ग्राफिक कार्ड है? तो नीचे वाला जो पुराना लैपटॉप है वो तो जब अंडरग्रेड स्टार्ट किए थे तब लिए थे. तो दैट वाज आई थिंक ग्राफिक्स कार्ड कुछ 1600 था, GeForce GTX. ये वाला है आई थिंक RTX 2070. तो यार सबको पता है दैट यू जस्ट कंप्लीटेड योर मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी. तो आप ये बताना, इस पे गेमिंग एस्पेक्ट से क्या फायदा हुआ? व्हाट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कैन गेट बाय प्रेजेंटिंग देयर गेमिंग एक्टिविटीज? क्या आखिरी क्या आखिरी? ओके दे लो. The presenting the gaming activity. So everyone knows that you just completed your master's in cybersecurity. अब बात करते हैं aspect of gaming towards masters. अब ये बताओ, gaming के related अगर achievements हो किसी के पास तो scholarship मिलती भी है कि नहीं? हाँ, scholarships. I mean, I didn't know this before, but scholarship मिलती है gaming में भी. And there are few universities, and these are not well-known universities. बिकॉज ऑब्वियसली वेल नोन में यू गेट TA RA एंड ऑन कैंपस जॉब्स बहुत होते हैं. बट यूनिवर्सिटीज लाइक एक्रन यूनिवर्सिटी, अरकैनसास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी, दिस टाइप ऑफ नॉट टॉप यूनिवर्सिटीज, दिस यूनिवर्सिटीज दे गिव स्कॉलरशिप्स एंड दे हैव देयर डेडिकेटेड ई स्पोर्ट्स टीम ऑल्सो फॉर डिफरेंट गेम्स लाइक लीग ऑफ लेजेंड्स, रेनबो सिक्स सीज, CS:GO, what else, I mean mostly FPS related and also other like Minecraft also. So, shooting wali games ha? Haan, shooting wali bhi aur alag bhi hai. Yeah, right. FPS first person shooter. Okay. And alag games bhi like Minecraft. I don't think that is shooting game. Okay. I mean I have never played it, but yeah, so all these games jiske bhi esports tournaments hote hain, all these games are there in esports team. So bahut se college mein, jaise in Georgia Tech also there is a GT esports club. बट वी डोंट गिव स्कॉलरशिप्स, राइट? सो ऐसे बहुत से फेमस यूनिवर्सिटीज लाइक पर्डी यूनिवर्सिटी एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी दे हैव देयर ई स्पोर्ट्स टीम और ई स्पोर्ट्स क्लब. उसमें ऐसे सारे गेम्स होते हैं, दे डू कम्पीट विथ ईच अदर लाइक डिफरेंट कॉलेजेस. बट दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक टॉप यूनिवर्सिटी दे डोंट गिव स्कॉलरशिप्स. बट ये सब यूनिवर्सिटीज जो अरकैनसास एंड ऑल, दे गिव स्कॉलरशिप आई थिंक एनीवेयर फ्रॉम $1,000 to $5,000 पर सेमेस्टर. क्या बात है. तो TA RA के क्लोज जा सकते हैं, मतलब राइट फंडिंग डिपेंडिंग ऑन जितनी आपकी फीस है, इट इज क्लोज इनफ. अगर आपकी $20,000 फीस है तो 5,000 आपको गेमिंग स्कॉलरशिप से मिल जाएगा. हाँ, तो अगर आप अंडरग्राउंड में कर रहे हो सो गो फॉर इट. अब हाँ, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी गेम से कितना मिलेगा? मतलब कोई भी गेम खेलोगे, मतलब टूर्नामेंट में खेलोगे इंडिया में? हाँ, टूर्नामेंट में, आई मीन इंडिया में टूर्नामेंट आई थिंक इट हैज grown a lot. The gaming industry in India has grown a lot.
सो टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स के टूर्नामेंट्स आजकल होने लगे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू बी अ गुड प्लेयर एंड दैट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कॉलेजेस दे जस्ट गिव स्कॉलरशिप इफ यू गेट सेलेक्टेड इन टू द टीम. So that's a good thing. तो टीम में सेलेक्ट हो गई तो स्कॉलरशिप मिलेगी. गेम इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती. अगर आपने टूर्नामेंट खेले तो हो जाएगा. हाँ, लेकिन टीम में सेलेक्ट होने के लिए you have to play good, right? Yeah, that's true. So इसलिए साइकिल है. हाँ, साइकिल है. तो you have to play good and if you get selected, obviously टीम में तो दूसरे कॉलेजेस से कम्पीट करने को मिलेगा. सो कमिंग टू माई जॉर्जिया टेक, वी गॉट टू कम्पीट विद डिफरेंट कॉलेजेस. अगेन कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे R6 में भी कॉलेजिएट R6 टूर्नामेंट्स, दिस टाइप ऑफ जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनका टेस्ट लेना, टेस्ट एज इन गेम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब. तो ये सब. नाउ लास्ट क्वेश्चन, अब गेम रिलेटेड टूर्नामेंट से प्राइज क्या मिलता है? पैसे होते हैं या फिर आपको मेडल्स मिलता है? क्या मिलता क्या? तो यूजुअली पैसे मिलते हैं, बट सिमिलर टू हाउ मच डिपेंड्स ऑन द टूर्नामेंट. सो कभी कभी $500 फॉर द फुल टीम और इवन $200 और कभी कभी $1,000 $1,500. हैकाथॉन्स की तरह. हाँ, वही हैकाथॉन्स, बट आई डोंट थिंक हैकाथॉन में पैसे तुमको देने पड़ते हैं. नहीं मिलते हैं भाई, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए. नहीं नहीं नहीं. हाँ, तो इधर लेकिन ऐसा होता है. होता है तो ऑब्वियसली. हाँ, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स हैं, नॉट जस्ट हियर, आई थिंक इन इंडिया ऑल्सो यू हैव टू गिव मनी लाइक $200 पर टीम, आई थिंक $100 समथिंग. और जब जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं सेमीज फाइनल्स, तो उन लोगों को ऐसा टीयर वाइज, जैसे फर्स्ट प्राइज जिसको आया उसको 5,000 मिला या 2,000 मिला, जितना भी कैप है. फिर सेकंड जो आया उसको 1,000 मिला, थर्ड जो आया उसको 700 मिला, फिर वहां बंद कर देंगे. हो सकता है कि गिफ्ट कार्ड्स वगैरह दें या गेमिंग रिलेटेड, जैसे स्टीम पे जो गेम्स होते हैं तो स्टीम वॉलेट में जैसे पैसा दे दें, $10 $50, ऐसा भी होता है. तो इट्स बेसिकली आपको रिस्क लेके पैसा देना पड़ेगा तभी बेनिफिट मिलता है. लेकिन बहुत से ऐसे भी कॉम्पिटिशन जिसमें फ्री, जैसे हम लोग मोस्टली फ्री वाले में किए थे क्योंकि हम लोग का टीम अभी जस्ट बना है, 1-2 साल पहले, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि ऑब्वियसली जीतेंगे, तो इसलिए हम लोग फ्री वाले में पार्टिसिपेट किए और फ्री वाले में ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है. तो awesome. So thank you so much, Apoor. I hope कि जो स्टूडेंट्स अपने गेमिंग की अचीवमेंट्स लेके यूएस आने की कोशिश कर रहे हैं, like they can get scholarships and get into top schools as well. So yeah. Thank you so much. Yeah. अब बताओ पैसे का इतना क्या फायदा हो? भाई पैसे का क्या फायदा होता है? I mean जो पैसों से जो महंगे गैसेस होंगे. So what's the benefit you got with money? मतलब तू कल आना हो गया आज का. मतलब आज का हो गया.